तो चलिए और देखा जाए कुछ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है थियरम पे, उसको कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़ा डाउट क्लियर रहते हैं। तो देखिए वैसे मैंने दो चार दस क्वेश्चन करा दिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात अब नहीं है, कुछ बचा नहीं है, फिर भी करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो एक और करा देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, डोंट वरी, मैं करा दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, नीचे दिए गए सर्किट में आरएल का वह मान निकालिए जिसके लिए उसमें अधिकतम पावर अंतरित हो। तो अधिकतम पावर के लिए देखिए भाई, देखिए यह है हमारा सर्किट, यही सर्किट दिया है, यहाँ आर एल लगाया है और ये आपका एक है, यहाँ 3 ओम है, ये भी ओम में है और ये 1 ओम है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है और ये है 30 वोल्ट प्लस माइनस। बहुत इजी क्वेश्चन है, सुनो पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि भैया वह कंडीशन बताइए या वह पावर बताइए जो आरएल में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। सबसे पहला बात तो ये तुमको डिसाइड करना होगा कि मैक्सिमम के लिए हमको क्या फार्मूला यूज होता है। देखो भाई, अगर दिमाग में फार्मूला नहीं यूज है, जैसे मान लो तुमको कहीं जाना हो, तुमको पता ना रहे किससे जाना है, तो वही कंफ्यूजन में हो गए। अब पहले तो तुमको साधन चाहिए, तो सबसे पहला बात ये कि हमको चाहिए क्या, हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर चाहिए। तो कहीं बगल में नोट्स में लिख लो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्या होता है फार्मूला, दिमाग में रखो, या VTH या VL/4RL, जहां RL RTH के बराबर होता है या RS के बराबर होता है या RL RS के बराबर होता है। सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं, ये होता है कंडीशन। अब देखो हम कह रहे हैं कि हम हर वक्त तुमसे यही कहेंगे कि RTH कैसे निकालो, RTH पे फोकस रखो। यहाँ पे RTH एक ऐसा चीज है, यानी थेवेनिन रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज है जो कई क्वेश्चन को सॉल्व करता है। RTH को इन द फॉर्म ऑफ RN कह सकते हो, RTH को इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो, तो ये इससे क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमको RL निकालना हो, तो कुछ ना करना है, RTH निकाल लो। सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा कि RTH निकाल लो। तो तुम जानते हो स्टेप वन इसमें क्या करना है, तुमको फाइंड आउट RTH। अब RTH निकालने के लिए कई बार बताए हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट को ओपन सर्किट कर दो, सर्किट का जैसा है वैसा कर दो, ये रहा सर्किट तुम्हारा, यही ना निकालना है, इसी के बीच ना RTH निकालना, यही तो निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, बता चुके हैं एक एक है, बताए हैं कि प्लस माइनस लगाओ। अब क्या, अब भी नहीं आ रहा है तो मैसेज करो, हम कर देंगे, दोबारा बता देंगे यार इक्विवेलेंट का। ये दोनों क्या है, पैरेलल है, यहाँ का प्लस और यहाँ दोनों का प्लस, यहाँ के मिल जाए तो पैरेलल हो गया। पैरेलल में उसका जब दोनों ये रिड्यूस करोगे तो इसके साथ सीरीज में जाएगा, तो RTH आ गया 1 पैरेलल 1। अब सीखो थोड़ा कि कोई चीज तुरंत कैसे करोगे, 1 पैरेलल 1 प्लस 3 तो हो जाएगा 1 × 1, ये होता है 1 + 1 × 2 और प्लस 3, ये होता है फार्मूला। 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7/2, RTH आ गया 7/2। अब क्या निकाल लो, अब VTH निकाल लो, तुम्हारा काम बहुत इजी हो जाएगा। RTH तुम निकाल लिए, अब VTH निकाल लो। RTH हाँ ठीक है, 7/2 यानी कि वही है, ठीक। तो RTH निकाल लिए, अब तुमको निकालना है VTH। और भाई हम बहुत पहले बता चुके हैं कि कभी भी जब RTH और VTH की बात करते हो तो एक्चुअल में जो सबसे मेन होता है वो होता है VTH। RTH तो कोई निकाल लेगा भाई, क्या करना है, वोल्टेज को शॉर्ट, करंट को ओपन, उसके बाद वही सर्किट बन गई और वही जो RTH जहां RL है उसी को टर्मिनल मान के उसी के बीच में क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कोई कर लेगा। असली काम तो अब है VTH निकालने के लिए, स्टेप 2।
स्टेप टू निकालने के लिए VTH फाइंड आउट VTH VTH निकालना टफ होता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, टफ कुछ नहीं है, बस करने आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से कर लोगे। अभी देखो कैसे, अभी कल बताया थे इस चीज को, ये क्या है, ये ओपन है, ये VTH, ये VTH, और क्या ये एक है, और क्या ये एक है, और ये क्या है, तीन है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सोचना है, केवल इसमें सोचना है, पहले इसको सॉल्व करो, इसको मिटाएं, तब ना बताएं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको खत्म करें, इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, ये तो हो गया होगा। ये RTH का क्या है, बना लो, अगर पॉज करके बनाना चाहो बना लो, नहीं तो ऐसे ही बना लो, जैसे मन वैसे बनाओ, जल्दी बनाओ, आज दो चार क्वेश्चन लगा खत्म करें ये। बन गया, चलो ये हम मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब शायद। चलो देखो देखो, VTH निकालना है, बाबू कई बार बताए हैं, जब यहाँ ओपन है तो यहाँ करंट जीरो जाएगा, इसका मतलब जो भी करंट आएगा इसी में आएगा, यानी कि I जो भी आएगा इसी में आएगा, या ऐसे ना करके लूप ना बनाकर सीधे ऐसे कर दो। KVL दो तरीके से बता चुके हैं, KVL दो तरीके से बताए हैं, अगर यहाँ से करंट I जा रही है तो ये करंट यहाँ भी आएगी, और यहाँ तो जा नहीं सकती है क्योंकि यहाँ जीरो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट ओपन है, तो ये क्या करेगा, यहीं से मुड़ जाएगा, फिर यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ सर्किट ओपन है, तो फिर क्या करेगा, आई यहाँ आ जाएगा, ये हो गया सर्किट। अब क्या करना है, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज प्लस माइनस, चाहे करंट के डायरेक्शन से इसको लगा लो, और चाहे क्या करो, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, माइनस पे आके खत्म, प्लस प्लस प्लस, माइनस पे आके खत्म, इस कॉन्सेप्ट से भी हो जाएगा। तो सारे कॉन्सेप्ट सही आना चाहिए। एक्सक्यूज मी, दो मिनट एक सेकंड दीजिए आप लोग। ओके, तो यहाँ पर लगाते हैं अगर, तो देखो थ्री, क्योंकि प्लस से जा रहे हैं, फिर जाएंगे तो माइनस, इसको वोल्टेज ड्रॉप बनाएंगे तो माइनस हो जाएगा वन इंटू आई, फिर यहाँ से जब निकलोगे तो फिर माइनस से निकल रहे हो, तो माइनस वन इंटू आई इक्वल टू जीरो, ये हो गया KVL, कह दोगे लूप एक में, या कह दो हाँ लूप, इसको एक मान लो, कहोगे लूप एक में, लूप एक में KVL लगाने पर, KVL लगाने पर, तो KVL लगा दिए तो क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, दो आई उधर जाएगा, और यहाँ पर क्या है थ्री, आई इक्वल टू आ गया थ्री बाई टू, शायद वो हो गया होगा RTH वाला पार्ट, RTH वाला पार्ट हम हटा दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन को पूरा बता सकें। RTH कितना आया है, RTH आया था 7/2, RTH आया था 7/2, याद रखना RTH आया था 7/2, ठीक है, यानी कितनी है 3.5, उसके बाद देखो, अब देखो जब यहाँ करंट नहीं जा रहा है, जब यहाँ करंट जीरो आ रहा था, यहाँ ड्रॉप क्या होगा जीरो, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा जीरो, अगर इसमें अगर ये वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो रहा है तो ये वाला वोल्टेज इसके समान हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, तो VTH अगर तुम निकालोगे तो हो जाएगा VTH इक्वल टू जी, इसका ड्रॉप क्या है, ए वन इंटू आई, और आई कितना है, आई कितना है 3/2, तो ये हो गया 3/2 वोल्ट। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको देख के एक बार कर लो तुम लोग, फिर हम इसको हटाएं, साफ करें, इसको इरेज कर रहे हैं, चलो कर लेना, पॉज करके वीडियो कर लेना, बहुत टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम नहीं देना चाहिए। कहोगे वी नो डेट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, कहोगे वी नो डेट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पी मैक्स VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, VTH आया है 3/2 का स्क्वायर, और RTH आया है 7/2, दो से दो कैंसिल, यहां इसको देखो यहां कर दे, अच्छा इतना कर लो पहले, कर लो इतना कर लो, कहोगे सब मिटा देना जल्दी जल्दी में आप, ये लाइट ज्यादा लग रहा है क्या इसमें,
लाइट कुछ ज्यादा हो जा रहा है क्या? लाइट कुछ ज्यादा हो जा रहा है। डोंट वरी डोंट वरी, आई विल मैनेज। चलिए हो गया, इसको हम हटाते हैं। अब बस कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ गया, क्या करना है इसमें, कैलकुलेशन कर दो। 394 नीचे आ जाएगा, या क्या जाएगा 14, तो 14 ये क्या जाएगा 8। इसको सॉल्व कर देना, तो इतना मैक्स आ रहा है, नोट करो। ये लीटीएच गलत आ रहा है, 15 कैसे आएगा जी? अच्छा रुको, तो एक गलती हो गया है ये कि हम इसको 3 वोल्ट लेके चले थे, 3 वोल्ट लेके नहीं 30 वोल्ट लेके चलना था ना, ये गलत हो गया है। कहाँ गलती हुई है? ये 3 नहीं 30 वोल्ट है, इसको सही कर लेना। तो ये 15 आएगा, तो यहाँ 15 रखोगे, ये गलती हो गया है, सही कर लेना, पीछे वाले भी इक्वेशन में सही कर लेना। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा? पी मैक्स 15 × 15 = 4 7/2, तो 7/2 कितना आ जाएगा? 7/2 हो जाएगा 14, ठीक है, बाकी सब सही है। 15 × 15 कितना आता है? 225, 14 × 14 = 28 भी नहीं होता, 14 × 14 होता है, और कितना 14 = 26, 8 हो गया, तो 85 हो गया, 85 × 14 = 14 × 14 = 84, 14 × 14 = 84, 1 × 10 हो गया, तो जाएगा नहीं, तो 0 करके, तो 16 वाट लगभग, तो करीबन 16 वाट आ रहा है, मैक्सिमम पावर इसमें 16 वाट जाएगा, इस बात को ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। एक आध क्वेश्चन और हम करा दे रहे हैं, कौन सा कराएं? क्वेश्चन लिखिए, ये तो इजी है, तो करा चुके हैं, ये भी करा दिए हैं, लगभग लगभग हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है। हाँ हो गया सारा क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, देखिए दिए गए सर्किट में अधिकतम पावर का मान निकालिए। नहीं, गलत है, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। थेवेनिन थ्योरम के प्रयोग से दिए गए सर्किट चित्र
दिए गए सर्किट के 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मान ज्ञात कीजिए। 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में भी, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और डिस्क्रिप्टिव में और ऑब्जेक्टिव दोनों में। डिस्क्रिप्टिव वो होता है जो तुम लिखते हो, यानी कि जो सेमेस्टर होता है तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव वो होता है जैसे JEE का जब एग्जाम दोगे, 1 डे एग्जाम, ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखो क्या है, 2 ओम में निकालना है, चलो इस पे क्वेश्चन नहीं बताए थे, अब बता दे रहे हैं इस पे भी। यहां रेजिस्टेंस है, एक है, 2 है, 5 वोल्ट है प्लस माइनस, 10 वोल्ट है प्लस माइनस। अब चलो भैया क्या करना है, अब चलो निकालना क्या है। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉर्थन का बात क्या है, तो सबसे पहले नॉर्थन सर्किट कैसे होता है, नॉर्थन करंट चाहिए तुमको। नॉर्थन करंट मींस इसमें का करंट चाहिए बस। नॉर्थन सर्किट नहीं पूछा है, नॉर्थन करंट पूछा है। नॉर्थन सर्किट नहीं, नॉर्थन करंट पूछा है। तो इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर हम इसको नॉर्थन मेथड से लगाएं तो पहले क्या होता है, नॉर्थन का रेजिस्टेंस निकालिए, निकाल लेंगे, ये रिमूव कर देंगे, ये भी रिमूव हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ क्या निकालते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं IS निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं एक एक करके। पहला स्टेप कि RL चाहिए, वो 2 है, इसको रिमूव करके RTS निकालेंगे। तो रिमूव कीजिए, रिमूव करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, रिमूव करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए रिमूव कर दिए, ऐसा हो गया, ये 1 है, 10 है। स्टेप 2 RTS निकाल दिया, RN निकाल दिए। स्टेप 2 RTH या RN निकाल दिए। RN तो सिंपल है, बस क्या करना है, सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दो, जो वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स को ओपन कर दो, इसी के बीच निकालना है, इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ जो रेजिस्टेंस है कि लिख लो, 1 है, 1 है, यहाँ क्या है, शॉर्ट हो गया सब। तो क्या हो जाएगा, आर एन तुम्हारा हो जाएगा, मन दोनों पैरल में प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोनों पैरल हैं, 1/2 आ जाएगा, नहीं हाँ 1 × 1 और 1+1 यानी कि 1/2 ओम। आर एन निकल गया। अब बस निकालना है IS। तो IS निकालने के लिए क्या करोगे, IS निकालने के लिए देखो क्या करना है, फिर से सर्किट बनाना होगा। 5 वोल्ट जिस तरह से किताब में बताया है, हम उस तरह से नहीं बता रहे हैं, थोड़ा अलग से बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। हाँ, इसको शॉर्ट करना रहता है IS निकालने के लिए। ISC ये तुम्हारा हो गया, चलो करो, इसको लिखो जल्दी, फिर हम बताएं, जल्दी लिखो जल्दी। चलो हो गया। देखो इसको हम क्यों ना हर सर्किट को RTS के मेथड से ही करें। किताब में तुम्हारे बहुत अच्छा दिया है, तो हमारा भी मूड वही कर रहा है, इसको हटा देते हैं। हम RN की बात नहीं करेंगे। हम एक ही चीज पे उतारू रहेंगे VTH पे, मतलब कुल ले देके हमको थेवेनिन सर्किट बनाना है।
पहले थेवेनिन सर्किट बनाओ। थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आरटीएस निकालते हो, तो आरटीएस निकालो, आरटीएस निकल गया, ये आरएल निकल गया। थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले आरटीएस निकालते हो, फिर वीटीएस निकालते हो। अब वीटीएस निकालो, ये बना लिया होगे तुम लोग, चलो अब वीटीएस निकालो। वीटीएच, तो वीटीएच के लिए क्या करोगे? वीटीएच के लिए कुछ नहीं करना है, ये ओपन रखना है, आरटीएच जैसे निकाले उसे वीटीएच निकालना है, सब कुछ सेम रखना है। देखो ये ऐसे ही रहेगा, ये ओपन रहेगा, ये ओपन रहेगा, क्योंकि हमको वीटीएच निकालना है। ये वन है, ये वन है, ये फाइव है, ये टेन है, ये VTH हो गया। चाहे यहां कर दो, चाहे यहां कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर हम कहें कि नोडल एनालिसिस फिर आ गया, इस पॉइंट पर नोडल एनालिसिस लगा दो, सबसे बढ़िया है। कह दे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, ए पर नोडल एनालिसिस, नोडल मेथड लगाने पर, या केसीएल लगाने पर। यार तो देखो, केसीएल लगाओगे तो किधर जाएगा, किधर जाएगा? तो देखो यहां से जाने वाली करंट क्या आ जाएगी, इसमें से इसको घटाओगे, यानी वीटीएच माइनस फाइव करोगे अपान क्या करोगे, आर करोगे, वन करोगे, तो ये वाला करंट आएगा, प्लस ये करंट के लिए वीटीएच माइनस माइनस टेन अपान, क्योंकि माइनस से यहाँ आउटगोइंग हो रहा है, वन करोगे इक्वल टू जीरो हो जाएगा तुम्हारा फाइव, ये टू वीटीएच इधर आ जाएगा 15, VTH इक्वल टू आ जाएगा 15/2। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह से होगा, इतना लिखो, इतना लिखो, चलिए VTH निकल गया, RTH निकल गया, VTH RTH निकल गया, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे? VTH आया 15/2 और RTH आया है, RTH कितना आया था, VTH आया 15/2 और RTH आया था 1.2, हाँ 1/2। चलिए सर्किट बनाते हैं, RTH का सर्किट बनाते हैं, RTH का सर्किट बनाते हैं, और RL कितना था, RL था 2 ओम। तो VTH क्या होता है, थेवेनिन सर्किट ऐसे बनता है, थेवेनिन सर्किट ऐसे बनता है, सब सीरीज में रहते हैं, ये RL है, ये RTH है और ये VTH है। तो VTH लाए 15/2, ये लेकर आए 1/2 और ये था 2। और कहा है RL में करंट, यही करंट तो RL में जाएगी, आई मान लेते हैं, उसी को कहेंगे RL। तो सीरीज में क्या आता है, करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, इसमें निकालना है, नहीं सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दो, वोल्टेज डिवाइडर वी आर निकाल लो, वी यहाँ पे निकाल लो, वी एल निकाल लो। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि मेन वोल्टेज, मेन वोल्टेज क्या है, मेन वोल्टेज देखो क्या है, 15/2 अपान जिसमें करंट निकालना वही ऊपर रहता है, जोड़ दो 1/2 + 1, ठीक है। तो जिस जब इसका आर एल निकाल दिए तो आई एल, आर एल पता है तो आई एल निकल जाएगा। तो कई तरीके से निकाल सकते हो, तो 2 × 1 = 2 = 3, तो फिर 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से तो कैंसिल, 2 × 1 = 3 = 2 = 5 × 5 = 10, कितना आया, 10 आया। तो आई एल कितना आ जाएगा, 10/2 कितना आ गया, 5 एम्पियर। बिना हम आरटीएच के, बिना हम आरएल आरएम के, मतलब नॉर्थन का उपयोग नहीं किए, सीधा आरटीएच का उपयोग किया, काम हो गया। तो जब आरटीएच से ही सब हो जा रहा था, कहाँ 20 हुआ था, पक्षी करेंगे, एक का को लेकर चलेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया,
अब एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग घर से कीजिए भाई, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन जब हम ही बताएंगे तो क्या फायदा। इसमें इजी इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए एक टफ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, करके लाइएगा। तो इजी है यार, नहीं करेंगे तो ये भी अगले वीडियो में खत्म कर देंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए। दो क्वेश्चन दे रहे हैं, कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में बना देंगे, ये भी दो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। लिखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके, सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके दिए हुए सर्किट का ब्रांच ए बी में करंट ज्ञात कीजिए। ब्रांच ए बी में करंट ज्ञात कीजिए। ब्रांच ए बी में करंट ज्ञात कीजिए। सर्किट बनाइए। तो यहां सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग होगा, क्योंकि वो बोल दिया है। ये 4 वोल्ट है प्लस माइनस, ये 2 है, ये 4 है, सब ओम में है, नोट कर लीजिए। घर से करके कमेंट करना है क्वेश्चन। 8 वोल्ट प्लस माइनस, और ये क्या है, 4। चलिए नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये ए बी है, इसे के बीच में सुपर पोजिशन से लगाना है। एक और नोट कीजिए। दिए गए सर्किट में 20 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा प्रवाहित होने वाली करंट सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो दोनों सुपरपोजिशन से निकालना है, करके लाना है, देखते हैं कितने लोग करके कमेंट करते हो। फाइव फाइव टेन टेन, ये भी सुपर पोजिशन से ही करना है, दोनों में करंट चाहिए, नोट कर लीजिए। अब कीजिए, मेहनत कीजिए, दोनों क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए हो गया, आई थिंक ये हो गया होगा। तो देखिए दोनों में सुपर पोजिशन थियरम का प्रयोग करिएगा। पहले एक सोर्स लेके चलेंगे, ठीक है, मान लीजिए 8 वोल्ट लेके चलते हो, 4 वोल्ट लेके चलते हो, तो फिर 4 वोल्ट वाला निकल जाए, निकल से निकाल लेना, फिर 8 वोल्ट से निकालना, इसमें भी पहले 10 वोल्ट से, फिर 20 वोल्ट से निकालना। ये सब बोल्ट है, सब बोल्ट है, लिख लो, ये बोल्ट है, ये भी बोल्ट है, ये सब करके लाना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं तो ठीक है, करेंगे आप तो अच्छा रहेगा, ताकि कल आप देख सकें कि क्या गलती हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थैंक यू।